थाना मजौला क्षेत्र में लगभग 10 दिन पूर्व हुए 5 साल के बच्चे ध्रुव अपहरण मामले में आज पुलिस ने जो खुलासा किया उससे एक कलयुगी मां की तस्वीर समाज के सामने आ गई। इस कलयुगी मां ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह अपहरण का खेल रच डाला था। SSP ने आज आरोपी मां को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार करते हुए पूरे ध्रुव अपहरण कांड का खुलासा कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये वो कलयुग मां है जिसने अपने ही 5 साल के बच्चे ध्रुव के अपहरण का बड़ा खेल रच डाला। दरअसल घटना 7 अगस्त को उस समय सामने आई थी जब शाम को लाइन पार निवासी गौरव के बेटे के अपहरण होने से हड़कंप मच गया था, जिसे लेकर पुलिस विभाग भी कुछ कहने से कतरा रहे थे। उसने बच्चे की जान की दुहाई देते हुए मामले को उजागर न करने की मांग मीडिया से भी की थी, लेकिन पुलिस दबाव के चलते बच्चे को गाजियाबाद से बरामद कर लिया गया था। लेकिन मुरादाबाद SSP प्रभाकर चौधरी ने मीडिया के सामने बच्चे की मां और उसके प्रेमी अशफाक को पेश करते ही एक कलयुग मां का चेहरा सामने ला दिया। इसने खुद कबूल किया कि अशफाक से उसकी जान पहचान सोशल मीडिया के फेसबुक पर हुई थी। उन लोगों ने 30 लाख की फिरौती इसलिए मांगी थी ताकि वो लोग तेलंगाना में जाकर एक जिम खोलेंगे और शादी करके वही बस जाएंगे। SSP प्रभाकर चौधरी के अनुसार आरोपी अशफाक मूल रूप से तेलंगाना के ही रहने वाला है और वही गाड़ी लेकर अपहरण प्रकरण में ध्रुव को लेकर गाजियाबाद गया था। पुलिस ने उसकी सभी जगह की वीडियो फोटोज के आधार पर इसका खुलासा किया है। FB पे हुई थी हमारी दोस्ती। FB तो क्या इससे पहले आपके परिवार से भी जुड़ा हुआ था? नहीं। किस तरह से आप लोगों ने प्लानिंग बनाई थी आगे क्या करना था? मतलब जो आपका फ्रेंड था जिसने किडनैप किया था, वो आपको कैसे कि आपका बच्चा सुरक्षित है? आपको चिंता थी बच्चे की? नहीं थी चिंता? आपको उम्मीद थी कि सुरक्षित रखेगा? आप लगातार बात कर रही थी, कैसे जो भी भेज रहा था उसको आपकी लगातार कैसे कैसे कहाँ रख रहा था? नहीं, वीडियो नहीं भेज रहा, नहीं भेज रहा था। तो आगे फ्यूचर में क्या सोचा था इस लड़के के साथ आपने? मैंने कुछ नहीं, मैंने यही सोचा था कि मैं अपने बाबू का अलग, मतलब कोई अलग, हम अपना बिजनेस खोलेंगे और अपने बाबू को अलग से वो करेंगे। तो शादी करनी थी इस लड़के से आपकी, फिर मतलब 30 लाख रुपए जो आपने मांगे थे उससे क्या करने का? यही बिजनेस करने का ही था कि बिजनेस करेंगे और मांग देते बच्चे को, फिर प्लॉट वगैरह। आपको चिंता थी कि सुरक्षित है आपका रहेगा, आपको उम्मीद थी बच्चा जी? 30 लाख रुपए घर में कहाँ से आएंगे, क्या प्लानिंग बनाई थी ये बताइए कि पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? आपका पति कहाँ से पैसे लेकर आएंगे, कोई आपने पहले से जानकारी थी आपको? नहीं, पति के पास। मुरादाबाद में एक किडनैपिंग हुई थी जिसमें रैंसम कॉल आ रही थी, 30 लाख की रंगदारी मांगी जा रही थी छोड़ने के एवज में, और इसमें हम लोगों ने अगले ही दिन बच्चे को सकुशल गाजियाबाद से बरामद कर लिया था। शुरू से ही ये सख्त था, केवल पुलिस टीम इसलिए ज़्यादा सतर्क थी कि कहीं बच्चे का मर्डर ना हो जाए, क्योंकि इसमें फैमिली के बहुत ही क्लोज लोग शामिल थे और लगातार सूचनाएं लीक कर रहे थे, किडनैपर तक बता रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत ही सतर्कता के साथ इसमें काम किया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इसमें 2 लोग तेलंगाना के निकल के आए, जिसमें एक अशफाक है जो इस यहाँ तक आया था, गाड़ी से आए, फिर नोएडा ले गया और फिर वहाँ पे बच्चे को छोड़ा था। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी आया कि जो बच्चे की माँ है फेसबुक के ज़रिए अशफाक के संपर्क में आई थी और लगातार इन लोगों की चैटिंग होती रही पिछले 2 साल से। कई बार अशफाक यहाँ पे आया, कभी रामनगर, कभी मेरठ, यहाँ होटल में रुका, इवन इनके घर के बगल में किराए पे भी करीब 15 दिन के आसपास रहा, तो बच्चा उससे भी परिचित हो गया था। और इन लोगों की प्लानिंग थी कि इनको पैसे मिल जाएंगे, तो इसमें जो महिला है ये पैसे लेकर के अशफाक, चूँकि पैसा उसको मिल जाएगा, वो महिला के साथ चले जाएंगे लोग हैदराबाद, वहाँ रहेंगे, वहाँ जिम खोलेंगे और एक दूसरे से शादी कर लेंगे। ये इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी। इसमें माँ का रोल है, अशफाक एक जो इनके प्रेमी हैं तेलंगाना के रहने वाले हैं, ऑलरेडी पुलिस टीम ने 6-7 दिन पहले ही इनको तेलंगाना में अरेस्ट कर लिया था, सारे एविडेंस प्रस्तुत किए गए और इनको हम लोग 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पे ले आए थे। रिमांड की अवधि चूँकि पूरा हो रही है, लोग आने में इनको टाइम लगा, तो इनको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये कोई इस तरह का प्रोफेशनल किडनैपर नहीं है, सिर्फ ये प्रेम संबंधों और
एक दूसरे से शादी करने के लिए ये सारी प्लानिंग रची गई थी और मार्च के महीने से ये चीज़ शुरू हो गया था। इसके पीछे वजह ये थी कि महिला संतुष्ट नहीं रहती थी अपने पति से, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी में भी कोई अधिकार नहीं मिला था, अपने नाना के यहाँ रहते थे और इनकी जानकारी में था कि इनके मौसी के पास पैसा है और इनकी जो सासू है उन्होंने भी प्लॉट बेच के 12 लाख रुपये ले रखे। बिल्कुल भी ये इन लोगों का उम्मीद नहीं था कि पुलिस में मामला जाएगा, क्योंकि महिला ने एक भी बार 4 घंटे हो गए किडनैपिंग को कहीं ना पुलिस में फ़ोन किया ना अपने पति को फ़ोन किया था। पति जब वापस आया, जब जैसे ही उसको पता चला कि बच्चा गायब है तो उसने ढूंढा, पुलिस में फ़ोन कर दिया। पुलिस में फ़ोन करने के बाद जब पुलिस गई इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो महिला ने जिस जो इनके प्रेमी थे उनको बता दिया और वहीं से रैनसम कॉल शुरू हो गई। इसमें VOIP कॉल के माध्यम से किया गया था। सेम VOIP कॉल से महिला को मार्च के महीने में भी कॉल किया गया है, ट्रायल किया जा रहा था कि ये कॉल लगता है कि नहीं लगता है। तो हमारे पास सारे 65B के सर्टिफिकेट सहित CCTV फुटेज सहित रिकॉर्डिंग सहित यहाँ पे होटल में जहाँ पे आके रुके थे वहाँ के CCTV फुटेज हैं, वहाँ के रजिस्टर में नाम है, ओयो कंपनी में बुक कराया था उसके 65B के सर्टिफिकेट है, टोल के सारे हैं, गाड़ी भी रिकवर हुई है जो गाड़ी लेकर के आए थे उसके भी फुटेज हैं। इवन गाड़ी में जिस दिन गाड़ी आई थी उस दिन महिला खुद जा करके सुबह के समय उस गाड़ी में बैठी थी, फाइनल प्लानिंग वहाँ रामलीला ग्राउंड में हुई गाड़ी के अंदर, उसके भी फोटोग्राफ्स इन लोगों ने अपने अपने फ़ोटो भी खींचे थे। केस बिल्कुल क्लियर है, बस ये जो घटना है ये बहुत ही अप्रत्याशित चीज़ हुई है जो सामाजिक रूप से जिसको स्वीकार करने में भी थोड़ा सा एक चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके माध्यम से हमें ये सीख ज़रूर मिलती है कि हम जहाँ भी रहें, जो कितना भी हमारा करीबी कोई आदमी हो, तो हम हमेशा अपने आँख नाक कान जरूर खुले रखें कि ताकि कहीं कोई समस्या ना आने पाए। पुलिस को जो है मोबाइल से कुछ वीडियो भी उपलब्ध, सारे वीडियोज हमारे पास उपलब्ध है और इसमें डेटा भी रिकॉर्ड किया है। वीडियो में सारी चीज़ें हैं, जिस होटल में रखा गया था बच्चे को पिज्जा ऑर्डर किया गया स्विगी से उसका भी सर्टिफिकेट हमारे पास आया और पिज्जा खाते हुए उसका वीडियो जिसमें जो अस्पाक है उसने खुद अपने साथ वीडियो बनाया है नोएडा के एक होटल में, वो भी हमारे पास है। होटल मिलान में भी जो वीडियो है वो भी हमारे पास है, सारी चीज़ें इसमें हमारे पास है। फोटोग्राफ्स भी बहुत कम से कम 100 से 200 फोटोग्राफ्स हमारे पास है। सर के बच्चों को पहले ही ट्रेन पर आ गया था कि कुछ इसमें 15 दिन की ट्रेनिंग जैसा महिला ने बताया 15 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी और वापस आने के बाद जब बच्चा वापस आ गया तो फादर ने कई बार पूछा कि बच्चे ने बताया है कि मम्मा ने भेजा था तो वो कौन आदमी था, तो इस दौरान मौका मिल गया। जैसे ही फिर उसके बाद कोई चीज़ पूछता उसका फादर पूछने की कोशिश करता था तो लड़का तुरंत जाली में या कहीं दरवाजे में अपना सिर मारने लगता था। इवन किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं बताया इसके अलावा, प्रॉपर ट्रेनिंग इसकी हुई थी। सर जो वीडियो रिकॉर्डिंग इन्होंने की है होटल्स के अंदर तो उनका पर्पस पता लगा कि क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे थे? वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने बताया प्रेम संबंध का मामला था, तो जो भी इन्होंने रिकॉर्डिंग किया था, चूँकि ये लोग लगातार एक दूसरे से कॉल के जरिए संपर्क में रहते थे, जैसे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ये एक दूसरे की फ़ोटो भेजते रहते थे, उसी से हमें बहुत ढेर सारी जब हमने सोशल साइट सब खंगालनी शुरू करी तो उससे बहुत ढेर सारे ऐसे ऑब्जेक्शनेबल फोटोग्राफ्स भी हमें मिले, उस पर भी शेयर किया गया था। शायद इनको चूंकि VOIP कॉल थी तो इनको ये बिल्कुल पता था कि पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी इस चीज़ को और कनेक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सबूत छोड़ते चले जाते हैं। बस केवल तरह से इन लोगों की दोस्ती हुई कुछ इसमें फेसबुक के माध्यम से, पहले मैंने बताया फेसबुक के माध्यम से 2 साल पहले से चैटिंग शुरू हुई, वहीं से इनकी दोस्ती हुई। सर ये जो प्रेमी था वहाँ का, इसने तो छोड़ा कैसे, इसे कहाँ से अपडेट मिल रहा था जब पुलिस सक्रिय हो गई है? मैंने बताया कि एक मोबाइल इसके प्रेमी ने खरीद के यहाँ दिलवाया था ऑनलाइन और सिम भी यहाँ से लिया गया था फर्जी नाम पे, वो महिला के पास वो मोबाइल था, उसी से वो लगातार जो भी गतिविधियाँ यहाँ पे पुलिस की हो रही थी, चूंकि मेरे कैंप कार्यालय भी दोनों लोग आए थे, जैसे ही कैंप कार्यालय से लोग बाहर निकले तुरंत बता दिया कि जो है मीडिया और पुलिस इसमें लग गई, सबको जानकारी आ गई, तो इन्होंने रात में ही बच्चे को छोड़ने का तय कर लिया था कि पुलिस को जानकारी में आ गई, टीम सब जगह जा रही है। लेकिन उस समय लॉकडाउन था, रात में 9 बजे के बाद कहीं बस वगैरह मिलता नहीं, तो जहाँ ये नोएडा के होटल में रुके थे तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी जाओगे अगर गाज़ियाबाद की तरफ तो पुलिस चेक करेगी, तो ये फिर सुबह का प्लान बना लिया कि सुबह छोड़ देंगे। फिर जैसे ही छोड़ा उस पर लिखा बाकायदे चप्पल वप्पल पहना के सारी चीज़ छोड़ा।